बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम। आप लोगों ने ये नोट किया होगा कि इलेक्शन के दौरान मैं कहीं भी नहीं निकला, मैं अपने घर में ही रहा। दोस्तों ने कहा कि जलसा करें, मैंने मना कर दिया। कॉर्नर मीटिंग करें, मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, जो खुद जाए काम करे। बिस्मिल्लाह, जलसा मुफ्त में नहीं होता, 8-10 करोड़ रुपया जलसे पे खर्च होता है। क्यों मैंने मना किया और घर से मैं बाहर क्यों नहीं निकला? 2.5-3 महीने पहले ही इलेक्शन का रिजल्ट बिक चुका था और पेमेंट भी हो गई थी, पेमेंट भी कर दी गई थी। जब मैं हमेशा कहता था, और मेरे कुछ दोस्त कहते थे आप बार बार क्यों कहते हैं, मैं हमेशा कहता था कि फेडरेशन की अलामत हमारी फौज है, रखवाली है फेडरेशन की। इस इलेक्शन ने प्रूव कर दिया, कोई भी सियासी पार्टी, कोई भी सियासी लीडर अब नेशनल लेवल पे, कौमी लेवल पे कोई भी नहीं है, सब सूबे लेवल पे आ गए। इस इलेक्शन ने प्रूव कर दिया। अब जहां तक सवाल है कि हमने दिलचस्पी नहीं दिखाई, वो मैंने बता दिया कि 2.5-3 महीने पहले ही हमें पता था कि पेमेंट हो गई है, जहां जहां जानी थी पेमेंट चली गई है। बाकी ये हमारा एक आईनी हक है कि हम एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट एहतजाज में डाका डाला गया है उसके खिलाफ है। और सियासत से मैं थोड़ा दूर इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जो जितना अच्छा झूठ बोल सकेगा उतना अच्छा लीडर बन सकेगा, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर दूर रहता हूँ कि झूठ बोलना कम पड़े। बाकी जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, जो जीता है वो खुद परेशान है, सर पकड़ के बैठा हुआ है, और जो हारा है या हरवाया गया है वो सब हम रास्ते पे निकले हुए। तो अब तो ये जो फैसला जो हमारे मुल्क के करते हैं, अब उनको सोचना पड़ेगा कि अब आपके पास कोई भी कौमी पार्टी या कोई भी कौमी लीडर नेशनल लेवल पे नहीं रहा, तो अब कौन बचा फेडरेशन संभालने वाला, सिवाय फौज के कौन बचा है? अब फलस्तीन में देखो क्या हशर है, गाजा में देखो क्या हशर है, लोग जूते खा रहे हैं, मर रहे हैं। अगर ये हमारी फौज नहीं हो तो हमारा भी यही हशर होगा। तो हम नहीं चाहते कि हम ख्वार हों, खराब हों। ये हमारी फौज है जिसकी वजह से हम इज्जत से भी बैठे हुए हैं, सुकून से बैठे हुए हैं। यही फौज हमारी बॉर्डर संभाल रही है, यही सरहदों को संभाल रही है, दहशतगर्दी से मुकाबला कर रही है। इसी वजह से हम आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। बाकी जहाँ तक सवाल है इलेक्शन का, इस पर भी मैं ज़रूर थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिस तरह पीटीआई ने कराया, उसी तरह नून लीग ने कराया, उसी तरह पीपल्स पार्टी ने करवाया, उसी तरह फंक्शनल लीग ने कराया। अब उस पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से ये क्या कौन सी है, ये नहीं ये इलेक्शन कमीशन, उसने जमीन आसमान एक कर दी। अभी जो इतनी बड़ी हुई खरीदो फरोख्त हुई है इस इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में, तो कहाँ है ये इलेक्शन कमीशन, कहाँ सो रही है? इस पे भी तो कुछ बोले। इमरान खान को सब चोर कहते हैं, चलो ठीक है चोर है ना, क्या किया है तोशाखाना में? क्या इमरान खान से पहले जो लोग आए थे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उन लोगों ने कुछ नहीं लिया तोशाखाना से? उन लोगों ने गाड़ियां नहीं ली क्या तोशाखाना से? जबकि कानूनन वो गाड़ियां ले ही नहीं सकते, तो सिर्फ इमरान खान चोर है? मेरी नज़र में इमरान खान चोर नहीं है।